नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष, आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस फंडा चैनल। दोस्तों आज हम आए हुए हैं राजकोट में, श्रीनाथ जी मशरूम फॉर्म है, यहाँ पर पूरी की पूरी मशरूम यहाँ पर लगाई जाती है और भावेश भाई हमारे साथ है। और भावेश भाई कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर थोड़ा एक बार बताइए आपके यहाँ पे मतलब किस तरह की मशरूम लगाई जाती है? हमारे यहाँ ओइस्टर मशरूम लगाई जाती है, हमारा ये 5000 बेड का फार्म है। ओके। और इसमें से मैं मशरूम में से 4.5 साल से मशरूम की फार्मिंग कर रहा हूँ। अच्छा, 4.5 साल से कर रहे हैं? 4.5 साल से। और इसमें से बाई प्रोडक्ट भी बनाता हूँ। ओके। मशरूम का 5000 बेड का पूरा साल चलाता हूँ और साल में 2 महीना या 2.5 महीना ही क्लोज रहता है मेरा। ओके। और अप्रैल में और आधा जून में 2.5 महीना ही क्लोज रहता है। तो अपने पास ऑस्टर मशरूम लगाते हैं आप यहाँ पे? जी जी। ओके। तो सर ऑस्टर मशरूम अगर कोई लगाना चाहते हैं तो क्या ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ जी, ट्रेनिंग देता हूँ सर। ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग देता। तो अगर कोई भी पूरे गुजरात से, पूरे इंडिया से इस वीडियो को देख रहा है, ट्रेनिंग लेना चाहता है मशरूम कैसे उगाएं, तो आपसे ले सकते हैं। मशरूम का ट्रेनिंग भी देता हूँ और मशरूम के उसका जो फायदा है वो भी उसको पहचान करवाता हूँ। बिल्कुल। उसमें भी हेल्प करता हूँ, मार्केटिंग में भी हेल्प करता हूँ, ट्रेनिंग में, उसमें बोने में, उसको बीज का सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए, तो सब चीज में करवाता हूँ। अच्छा, मतलब पूरी की पूरी हेल्प आप करने वाले हैं? पूरी हेल्प करता हूं। अच्छा, ऑयस्टर मशरूम की बात की जाए तो साल में इसके कितनी बार प्रोडक्शन लिया जा सकता है? साल में ऑयस्टर मशरूम में 5 बार ली जाती है। 5 बार ली जाती है? ओके। 5 बार उसकी फसल ली जाती है और कम से कम कम जगह में भी कर सकते हैं। कम जगह में भी कर सकते हैं? कम जगह में भी कर सकते हैं, ऐसे चाहे कोई छोटा रूम हो उसमें भी कर सकते हैं, यार बड़ा छप्पर लगाना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, या उससे बड़ा बांस का पूरा अपना लंबा करके उसमें करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। और क्लाइमेट की बात की जाए, किस क्लाइमेट में हो सकता है? मतलब जैसे राजस्थान हो गया, कश्मीर हो गया, कन्याकुमारी हो गया, तो ऐसे कोई क्लाइमेट का बात तो नहीं है कुछ? कोई भी नहीं, क्लाइमेट का कोई बात नहीं। हमारे यहाँ राजकोट गुजरात में अभी आप देख रहे तो अभी 42-43 टेम्परेचर है अभी, तो अभी मैं ये अपना फार्म मैनेज कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी कर रहा हूँ 25-26 टेम्परेचर में है अभी, ये तो भी मैनेज कर लेता हूँ इम्यूनिटी सब। और ये क्लाइमेट के लिए वो कोई बात नहीं, अभी ये सब हमारा ये फोगर की तरह इसी तरह धुआं होगा उसमें मैनेज हो जाता है। ओके। तो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? मतलब टेम्परेचर रहना जो हमें मेंटेन करना चाहिए, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर कितना मेंटेन करना चाहिए? बाहर का कोई भी टेम्परेचर हो, अंदर का 24 से लेकर 30 तक का होना चाहिए। 24 से 30 तक का? 24 से 30। तो मतलब 1-2 महीने छोड़ के साल में पूरा टाइम ये करा जा सकता है? मशरूम कहीं भी किया जाता है, ये धूप के टाइम में 2-2.5 महीना क्लोज करना रहता है, बाकी आप पूरा टाइम करते पूरा टाइम कर सकते हैं। और छोटा से छोटा किसान भी कर सकते हैं, इसमें कोई जगह की ज्यादा जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। और ये छोटा आदमी भी कर सकता है, 50,000-1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करके भी कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा भावेश भाई, मुझे एक बात बताइए कि आपको मशरूम का, मशरूम लगाने का आइडिया कहाँ से आया? मेरे मिसेस को जोड़ों का दर्द था, वो गठिया बात बोलते हैं ना। अच्छा। हम लोगों ने 14 साल तक पूरे इंडिया में घूमा, रूमेटो आर्थराइट का कोई उसमें दवाइयाँ है नहीं, 100% उसमें देसी आयुर्वेद पे ही जाना पड़ता है। तो 14 साल घुमा पूरा इंडिया में, कोई भी डॉक्टर से रूमेटो आर्थराइट सही नहीं हुआ, उसको गठिया बात बोलते हैं। तो मैं पूरा हिमाचल प्रदेश जब घूमता था, एक आदमी मेरे को बताया, तो वहाँ से मैं ऐसा ड्राई मशरूम लाया, ऐसा ड्राई। ओके। हाँ जी, इसका हम लोग भूसा करके उसको पिलाया तो उसको गठिया बात में राहत मिल गया 3 महीने में। Okay. उसका 3 महीने का कोर्स है। अच्छा। और हम लोगों ने ये जो सही हो गया 14 साल से गठिया बात, उसके बाद हम लोगों ने पूरा फार्म बना दिया है इधर मशरूम का, 5000 बेड का। फिर मेरी बीबी को सही हुआ तो एक सेवा के रूप में मैं भी काम कर रहा हूँ, और कोई आदमी छोटा मोटा होगा तो उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल। और कोई ट्रेनिंग लेके जाता है तो उसको भी लाइफ टाइम सपोर्ट करता हूँ। और ये मशरूम की प्रजाति में विटामिन B12 की उन्होंने, मल्टी विटामिन कम हो तो भी ये मशरूम का पाउडर पिया जाता है, और हम लोग नॉर्मल आदमी भी पी सकते हैं। बिल्कुल। नॉर्मल आदमी भी कभी भी पी सकते हैं, सुबह शाम आधा आधा चम्मच, एक चम्मच गुनगुने पानी या दूध में, मिल्क में। और ये जो हमारा नेचुरल पाउडर है। ओके। हाँ जी, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों पाउडर में? ये नेचुरल है। Okay. और ये चॉकलेट फ्लेवर में बच्चों के लिए और वुमेन्स के लिए ही बनाया। बिल्कुल, ये फ्लेवर्ड है। हाँ जी, तो ये तो मैं भी लेके जाऊंगा एक चॉकलेट फ्लेवर बच्चों के लिए, क्यों अच्छा रहने वाला है। हम मार्केट पे जो पाउडर पिलाते हैं उससे अच्छा हम ऑर्गेनिक चीजें पिलाएं बच्चों को। और ये बिल्कुल, हमने 5000 कस्टमर खड़े किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको समझते हैं कि नहीं ये मशरूम से हमको इतना फायदा हुआ, इतना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज हमारी सब, ये सूप भी बनाए इसमें, छोटा छोटा सचेट बनाया सूप के लिए, और ये सब मशरूम की प्रोडक्ट है। आप कभी भी कोई आदमी को मंगाने का है तो हमारी वेबसाइट भी है,
बिल्कुल गो वेज प्रोटीन, और हमारा नंबर भी आप, तो इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा रहता है, तो जो हमारे भाई जिम जाते हैं तो वो भी इसे यूज कर सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, उसका मसल्स बहुत मजबूत होते हैं। बिल्कुल, तो जिम वालों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। आप मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई बार उनके साइड इफेक्ट होते हैं, मगर ये मशरूम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें क्या है, आप इस तरह से ले सकते हैं, ये ड्राई मशरूम कई तरह से यूज होते हैं, जैसे आप पकौड़े बना के इनके खा सकते हैं, सब्जी में आप इसे यूज कर सकते हैं, पनीर की तरह सब्जी में डाल के आप यूज कर सकते हैं, तो इसके बहुत फायदे रहते हैं। इस तरह जैसे सर ने बताया कि ये सूप बना सकते हैं आप इसके, तो बहुत सारे मिल जाएंगे घर में, आप पापड़ बना सकते हैं, देखिए आप पापड़ मशरूम के पापड़, ये ड्राई भाकरी है, बिल्कुल ये नाश्ते में आप 2-3 भाकरी ले लो, सुबह में पूरा दिन खाना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को जितना कैलोरी चाहिए वो मिल जाएगी, बिल्कुल कैलोरी मिल जाएगी। अच्छा सर, कोई भी काम हम करते हैं या कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी करें, सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं इससे हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, तो आपके पास ये कितने बैग लगे हुए हैं? मेरा ये जो फार्म में बैग लगे हैं वो 5,000 बैग लगे हैं। 5,000 बैग लगे हैं, 5,000। तो एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन बताइए, मतलब जैसे एक बार हमने इसे किया, 2-2.5 महीने का टाइम लगा, तो कितने का हम माल बेच पाएंगे, साल में कितने का बेच पाएंगे? तो इसमें ये 5,000 बैग का जो कोई किसान करेगा मशरूम का फार्मिंग, तो उसमें 750 kg तक ड्राई निकलेगा। ओके, और ड्राई हम लोग बेचेंगे तो मेरे हिसाब से एक फसल का उसको 6-6.5 लाख रुपए का हो जाएगा। ओके, और उसको जो पांच बार करे, साल पांच बार करे, हाँ जी, तो 20-30 लाख के बीच में टर्नओवर उसका हो जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा, और उसमें उसका जो प्रॉफिट गिनती करें, तो प्रॉफिट में 15 लाख या 20 लाख के आसपास, मतलब अगर हम बात करें, अगर आपका आधा खर्चा भी हो गया तब भी आपको 15-20 लाख का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, मेन चीज ये होती है कोई भी काम करो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत बिल्कुल नहीं पड़ती। आप आएंगे, आप सीखेंगे, सीखने के बाद आपको काम को करेंगे, कोई भी काम करें थोड़े आपके चैलेंजेस आते हैं, उन्हें आपको फेस करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं तो मार्केटिंग करनी पड़ती है, सेल करना, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल दोनों ही दूसरे जुड़े हुए हैं, इसमें मेहनत और मैनेजमेंट दोनों करना पड़ता है। बिल्कुल सर, थोड़ा शॉर्ट में एक बार मशरूम के फायदे और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आप। ये जो मशरूम का फायदा ये है कि ये जो हमारा हम लोग ये प्रोटीन पाउडर मशरूम का प्रोडक्ट, सब चीज मशरूम की ही है, सब प्रोडक्ट आप देख सकते हो, मशरूम का प्रोडक्ट ये हमारा प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, बिल्कुल। और ये जोड़ों के दर्द में, गठियावात में, गठियावात में, जोड़ों के दर्द में, B12 की कमी में, विटामिन डी की उणप होती है, तो उसमें ओके। और हम लोग ये सब सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट बना के, मेरा जितना भी माल निकलता है सब मेरी प्रोडक्ट में ही यूज होता है। ओके, और ये मेरा नेचुरल पाउडर है, आप देख सकते हो, ये सुबह शाम आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी में ले सकते हो, और हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल। कोई भी मल्टी विटामिन की उणप हो किसी को भी, तो ये मशरूम पाउडर यूज कर सकते हैं, मतलब बच्चे बड़े सभी लोग ले सकते हैं, 5 साल के ऊपर का सब चीज 95 तक सब, तो जैसे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, उन सब इम्यूनिटी बूस्टर तो बहुत होती है, इम्यूनिटी बूस्टर नॉर्मल आदमी भी पिए ना तो 3 दिन में उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, जैसे काफी लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है तो वो इससे सही हो जाता है, ताकत मिलती है, ताकत मिल जाती है। और ये हमारा जो ड्राई भाकरी है, काकरा है, ये सब चीज हम लोग अपने से ही इधर ही बनाते हैं, और ये हमारा सूप है मशरूम सूप है। ये सर कितने ग्राम है, क्या इसकी प्राइसिंग रखी है आपने? ये प्राइस है इसका 460 रुपए, उसमें 18-20 ग्राम का 15 सचेट है, और उसमें वन टाइम आप एक कप पानी 100 ml का उबाल के उसमें तुरंत डाल दिया, इंस्टेंट हो इंस्टेंट बन जाएगा सूप, इंस्टेंट सूप बन जाएगा। तो सूप है, और सूप में काफी विटामिन हैं, काफी जो इम्यूनिटी बूस्टर है, हर चीज जो है काफी अच्छी इन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, आप सिंगल ले सकते हैं, घर पे यूज कर सकते हैं। सर कोई सिंगल पैकेट मंगाना चाहिए तो मंगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया? हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया में कुरियर करता हूँ। ओके, कुरियर करते हैं, या फिर अगर आप इनसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, इनसे प्रोडक्ट लेके आप अपनी शॉप में रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप आगे जो है MRP पे सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दो चीजें, अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं अपने घर के यूज के लिए तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं और आगे प्रोडक्ट को सेल करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी मशरूम के ऊपर, किसे किस तरह से उगाया जाता है, क्या इसका रॉ मटेरियल होता है सर, इसे बेस क्या होता है सर, किस तरह से उगाते हैं मशरूम को? ये जो गेहूं का जो भूसा है, और मैं गेहूं भी अपना ऑर्गेनिक तरीके से बोता हूँ 25 बीघा का, और ये गेहूं का भूसा से हो सकता है, और दूसरी बात चाहिए दूसरे जगह पे तो सोयाबीन का भी यूज कर सकते हैं, चावल का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें से 3-4 जात का सब यूज कर, मक्की का भी कर सकते, मक्की का भी कर सकते हैं। और इसमें ये यूज करने के लिए तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें अल्कलाइन होना चाहिए,
अल्कलाइन होगा कोई भी भूसा तो उसमें मशरूम में चलेगा चलेगा। हाँ ओके, तो मशरूम में मेनली भूसा यूज करते हैं, फिर मशरूम का स्पॉन होता है वो मिक्स करते हैं। हाँ, तो उससे हम बैग को भर देते हैं। उसमें चार लेयर इसका आता है भूसा का और तीन लेयर उसका बीज का आता है। मतलब ये समझो आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है अगर आपको पहले से रूम है या कोई शेड है तो आप वहाँ पे कर लेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट आता है मेनली आपका शेड बनाने में आता है, उसके अलावा मशरूम को उगाने में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, किस तरह से फॉगिंग करनी है। तो आपको ये सब बेसिक ट्रेनिंग यहाँ से मिल जाएगी। आप आ सकते हैं, सर के पास ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब कुछ वीडियो में दे रखा है।